नमस्कार, आपका UK24 न्यूज चैनल में स्वागत है। मौसम समाचार। प्रदेश के इन तीन जिलों में बारिश का अंदेशा, येलो अलर्ट जारी। प्रदेश में मौसम का मिजाज पल पल बदलता रहता है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश के कुछ जनपदों में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज नैनीताल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपदों में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिसको देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के अन्य जनपदों में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। प्रदेश में आज अधिकतम और न्यूनतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। प्रदेश में ये है आज पेट्रोल और डीजल के दाम। राजधानी देहरादून में आज पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज देहरादून में पेट्रोल 95.71 रुपये और डीजल 89.85 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95.04 रुपये, वहीं डीजल के दाम है 89.13 रुपये। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95.13 रुपये, वहीं डीजल के दाम है 89.25 रुपये। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। नेशनल डॉक्टर्स डे आज। देश भर में आज महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे CM डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिन के रूप में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने साल 1991 में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाने की शुरुआत की थी। इस दिन डॉक्टरों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है, साथ ही जीवन में डॉक्टर के योगदान को सराहा जाता है। डॉक्टर्स कम्युनिटी को PM का संबोधन। नेशनल डॉक्टर्स डे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर्स कम्युनिटी के एक कार्यक्रम को दोपहर 3 बजे संबोधित करेंगे। भारतीय चिकित्सा संघ के डॉक्टरों के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। डिजिटल इंडिया लाभार्थियों से बात करेंगे PM। डिजिटल इंडिया की शुरुआत के 6 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। यह कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया के 2015 में लॉन्च होने के 6 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। ऑनलाइन क्लास फिर शुरू। उत्तराखंड के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश खत्म होने के बाद आज एक बार फिर से स्कूलों में ऑनलाइन क्लास के माध्यम से क्लासेस शुरू होंगी। शिक्षा विभाग की संयुक्त सचिव JL शर्मा ने आदेश जारी किया है। संचार सेवा बहाली को लेकर प्रदर्शन। पिथौरागढ़ में नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में संचार सेवा की बहाली को लेकर झूलाघाट के ग्रामीण जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही जिले में बंद सड़कों को खोलने और राहत कार्यों को तेजी से अंजाम देने के संबंध में जिलाधिकारी समीक्षा बैठक करेंगे। पर्यटन व्यवसायियों की पदयात्रा। हरिद्वार पर्यटन कार्यालय से खड़खड़ी शमशान घाट तक एक यात्रा का आयोजन किया गया। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग इस यात्रा में शामिल हुए। सुबह 9:30 बजे पर्यटन कार्यालय हरिद्वार के निकट रेलवे स्टेशन पर एकत्रित होकर यात्रा शुरू की जाएगी। मंत्री गणेश जोशी करेंगे कॉलेज का शुभारंभ। विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा मसूरी के घनानंद राजकीय इंटर कॉलेज को उत्तराखंड अटल उत्कृष्ट घनानंद राजकीय कॉलेज बनाए जाने पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी करेंगे शुभारंभ। डेयरी ब्रांड अमूल के बड़े दाम। देश के सबसे बड़े डेयरी ब्रांड अमूल ने आज से दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने दूध की कीमतों में प्रति लीटर 2 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की है। ये कीमतें आज से पूरे देश में एक साथ लागू होगी। SBI से कैश निकासी नियम में बदलाव। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने घोषणा की है, आज से बैंक के ग्राहकों को बैंक ATM और ब्रांच से सिर्फ 4 निकासी की अनुमति होगी। यानी सिर्फ 4 निकासी फ्री होंगे। इसके बाद रुपए निकालने पर 15 रुपए चार्ज लगेगा और साथ में GST भी देना होगा। चेकबुक को लेकर भी नई सीमा तय की गई है। अब सिर्फ 10 चेक पन्नों का उपयोग फ्री कर सकते हैं, इससे अधिक के लिए चार्ज देना होगा। लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन। आज से लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए RTO जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन आवेदन करें और घर से ही टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट में पास होने के बाद लर्निंग लाइसेंस घर पहुंच जाएगा। बाद में स्थायी लाइसेंस के लिए वाहन चलाकर दिखाना होगा। बादल फटने में जंगलों की आग का बड़ा रोल। गढ़वाल विश्वविद्यालय IIT कानपुर के अध्ययन में खुलासा। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय और IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन, मौसम में बदलाव, बादलों का फटना समेत अन्य घटनाओं पर शोध किया है, जिसमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। बादल फटने के कारणों का संबंध जंगलों में लगी आग से भी निकला है। ब्लैक फंगस ट्रैकर राहत। पिछले 24 घंटे में ब्लैक फंगस का नहीं मिला एक भी मरीज, 3 मरीज हुए ठीक। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के 495 मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही राज्य में अब तक ब्लैक फंगस के 95 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में प्रदेश में ब्लैक फंगस का एक भी मरीज सामने नहीं आया है, साथ ही किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। नैनीताल, तहसील कर्मचारी का संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव।
नैनीताल कुमाऊं कमिश्नर कार्यालय में नियुक्त चंदन थापा का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। 105 डिग्री कॉलेजों के 177 गेस्ट टीचर हुए बेरोजगार। प्रदेश के 105 डिग्री कॉलेजों में तैनात 177 गेस्ट टीचर एक बार फिर से बेरोजगार हो चुके हैं। गेस्ट टीचरों का 11 महीने का अनुबंध 30 जून को समाप्त हो गया। सियासी संकट पर बोले पूर्व सीईसी वीएस संपत, इस चुनाव से पहले उपचुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के उपचुनाव लड़ने को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, साथ ही नए सीएम बनाए जाने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। इन सब के बीच पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत का कहना है कि गैर निर्वाचित मुख्यमंत्री को 6 महीने के भीतर चुनाव लड़ना जरूरी होता है। वेतन मान पर विभागीय रिकवरी के मामले में शिक्षकों को बड़ी राहत, अपर निदेशक ने जारी किए आदेश। वेतन विसंगति को लेकर जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ और सरकार के बीच सालों से चला आ रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट की ओर से स्टे जारी होने के बावजूद प्रदेश के शिक्षकों से उप शिक्षा अधिकारियों और आरआर वितरण अधिकारियों द्वारा वेतन से वसूली किया जा रहा है, जिसे जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ की ओर से पूरी तरीके से अनुचित करार दिया गया है। आज से कुमाऊं दौरे पर डीजीपी कानून व्यवस्था का लेंगे जायजा। उत्तराखंड राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था बनाने को लेकर लगातार पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार कई महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। इसी कड़ी में डीजीपी अशोक कुमार आज कुमाऊं क्षेत्र के दौरे पर हैं। वो आज से 3 जुलाई 2021 तक कुमाऊं परिक्षेत्र के ऊधम सिंह नगर और नैनीताल जिले का भ्रमण करेंगे। 21 तारीख संयोग या खेल। अस्पतालों ने छिपाए कोरोना मौत के आंकड़े, सीएमओ और सीएमएस को नोटिस। बुधवार को प्रदेश में 218 लोगों की मौत की जानकारी प्रदेश कोविड कंट्रोल रूम देहरादून को देर से देने के मामले में जिलों के सीएमओ और सीएमएस को नोटिस भेजे गए हैं। सूर्यकांत धस्माना ने चारधाम यात्रा की तैयारी को बताया हवा हवाई, उठाए सवाल। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार पर हल्ला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं। डूबती नैया को बचाने में जुटा परिवहन निगम, वेतन और खर्चों में करेगा कटौती। उत्तराखंड परिवहन निगम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार कर रहा है, जिसमें मुख्य रूप से वेतन और डीजल पर खर्च होने वाली धनराशि में कटौती की जा सके, क्योंकि वेतन और डीजल पर ही परिवहन निगम का सबसे अधिक खर्चा आता है। इसके अलावा भी परिवहन महकमा तमाम बिंदुओं पर कार्य योजना तैयार करने में जुटा हुआ है, ताकि परिवहन निगम को घाटे से उबारा जा सके। अल्मोड़ा, समय पर स्वास्थ्य सुविधा न मिलने से प्रसव पीड़िता की मौत। पहाड़ की समस्याएं भी पहाड़ जैसी ही, जहां बेहतर इलाज न मिल पाने की वजह से जिंदगियां रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं, वहीं सल्ट क्षेत्र के देवायल निवासी एक गर्भवती महिला को रेफर करने के दौरान उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। गर्भवती महिला को रेफर करने के लिए समय पर 108 एम्बुलेंस नहीं मिल पाई, जिस कारण समय पर उपचार नहीं मिल पाने से उसकी मौत हो गई। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं होने पर रोष। शिक्षा सहित विभिन्न विभागों में बैकलॉग के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किए जाने के लिए समता मूलक शैक्षिक एवं सामाजिक संस्था ने एसडीएम कीर्ति नगर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। इस मौके पर संस्था ने सरकार से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। कहा कि वर्ष 2018 से प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया का मामला न्यायालय में गतिमान है, लेकिन सरकार की ओर से मामले की सही ढंग से पैरवी नहीं किए जाने से अशिक्षित बेरोजगारों में गहरा आक्रोश है। उत्तराखंड में बस ट्रक का किराया बढ़ाने की तैयारी। निजी वाहनों के साथ रोडवेज बसों का किराया भी बढ़ेगा। शासन ने किराया निर्धारण समिति के अध्यक्ष को पत्र भेजा है। इसमें निजी वाहनों के किराया बढ़ोतरी प्रस्ताव के साथ रोडवेज बसों को भी शामिल करने को कहा है। समिति अध्यक्ष आरटीओ देहरादून दिनेश पटोई इसके लिए रोडवेज को पत्र भेजेंगे। टीके बचाने के लिए स्लॉट बंद। नैनीताल जिले में सरकार के दबाव में स्वास्थ्य विभाग किसी तरह टीकाकरण अभियान खींच रहा है। बुधवार को टीके बचाने के चक्कर में महकमे ने स्लॉट ही नहीं खोले, यही वजह रही कि तय लक्ष्य से भी कम टीके लगे। इसके बावजूद 18 प्लस वालों की वैक्सीन खत्म हो गई है, आज 18 प्लस का टीकाकरण नहीं होगा। रुद्रपुर के कांग्रेस नेता की सड़क हादसे में मौत। बीती रात अपने ससुराल सितारगंज से लौट रहे कांग्रेस के रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व अध्यक्ष की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि उनका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर पूर्व नेता की मौत की खबर मिलते ही कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। सुबह दिवंगत के आवास पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों ने दिवंगत के पार्थिव शरीर पर पार्टी का झंडा समर्पित किया। अश्लील वीडियो बनाकर 11,000 ठगे। 12 वर्षीय नाबालिग की ऑनलाइन अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और 11,100 रुपए ठगी का मामला सामने आया है। परिजनों ने मामले की शिकायत काशीपुर पुलिस से की है। ठगी और ब्लैकमेलिंग का मामला रुद्रपुर साइबर सेल को भेज दिया गया है।
कुमाऊं रेजिमेंट के 3 जवानों की सिक्किम हादसे में मौत। पूर्वी सिक्किम में बुधवार को सेना के जवानों को ले जा रहा ट्रक खाई में गिर गया, जिससे 3 जवानों की मौत हो गई और 3 अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। युवती से दुष्कर्म में बंदी रक्षक पर मुकदमा दर्ज। रानीपुर पुलिस ने कोल्टिंग में नशीला पदार्थ मिलाकर युवती के साथ दुष्कर्म करने का आरोप में बंदी रक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया है। युवती का आरोप है कि बंदी रक्षक ने उसे वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी थी। उधर बंदी रक्षक वसीक का कहना है कि युवती झूठा आरोप लगा रही है। पहले भी पुलिस इस मामले में जांच कर उन्हें क्लीन चिट दे चुकी है। कहा कि युवती ब्लैकमेल करने की नीयत से आरोप लगा रही है। एलटी भर्ती की काउंसलिंग 4 वर्ष बाद अब होगी शुरू। वर्ष 2017 में आयोग ने शुरू हुई एलटी भर्ती प्रक्रिया में रिक्त पदों के लिए फिर काउंसलिंग शुरू कर दी है। इसके लिए चयनित अभ्यर्थियों को 13 जुलाई को अपने मूल अभिलेखों के साथ आयोग पहुंचने को कहा गया है। आयोग के सचिव संतोष बडोनी के मुताबिक उक्त भर्ती परीक्षा मई 2018 में आयोजित हुई थी। इस बीच कई चयनित अभ्यर्थियों ने अपनी सेवाएं नहीं दी, इस कारण रिक्त पदों के लिए कोर्ट के आदेश पर एक और काउंसलिंग की जा रही है। रिक्त पदों की संख्या करीब 29 है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।